हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनिवार का दिन बेहद खास दिन कहा गया है। शनिवार के दिन किए जाने वाले उपायों का हमारे जीवन पर बेहद गहरा प्रभाव होता है। आम दिनों में जो उपाय, जो टोटके हम करते हैं, हो सकता है उनका रिजल्ट हमें थोड़ा देर से मिले, लेकिन क्या आपको पता है कि शनिवार के दिन जो उपाय किए जाते हैं वे उपाय बेहद प्रभावशाली होते हैं। अगर आम दिनों के जैसे शनिवार के अलावा और किसी दिन अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं तो हो सकता है उन उपायों का रिजल्ट आपको 2 महीने में, 4-6 महीने में मिले। लेकिन अगर आप शनिवार को कोई उपाय करते हैं तो इन उपायों का रिजल्ट आपको 1 महीने में भी मिल सकता है। शनिवार का दिन बेहद प्रभावशाली और हमारे ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से बेहद खास माना गया है। क्यों? क्योंकि शनिवार का दिन भगवान शनि के निमित्त होता है। शनि देवता जो कि न्याय को पसंद करने वाले देवता है, शनि देवता ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। अगर आप किसी के साथ छल करते हैं तो शनि देवता की क्रूर दृष्टि का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं शनिवार का एक ऐसा उपाय जो अगर आप लगातार 3 शनिवार करते हैं तो आपने सोचा भी नहीं होगा इतना पैसा आपके पास आ सकता है। क्योंकि जो उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूं, इस उपाय से सीधा सीधा फर्क आपके जीवन में होगा, बहुत बड़ा एक पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में इस उपाय के बाद से आएगा। नमस्कार, सुस्वागतम। रात 9 बजे के एपिसोड में मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शंकर जी का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। हर एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी लेकर के आते रहें। उपाय तो हर कोई बताता है, टोटके तो हर कोई बताता है, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारी कोशिश कि जो उपाय हम आपको बताएं उन उपायों का सीधा सीधा लाभ आपको बहुत जल्दी मिले, ऐसी हमारी मन की इच्छा होती है। हर रात 9 बजे हम आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर के आते हैं जिसमें हमारी मेहनत और हमारी लगन होती है ताकि हम आप भक्तों के विश्वास पर खरा उतर सके। तो आज का यह एपिसोड बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम रहती है, या आपके परिवार में अगर बार बार रोग कष्ट चलता है। क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय से आप शनि देवता को प्रसन्न कर सकते हैं और शनि महाराज की कृपा से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य आता है। तो चलिए अब भगवान शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम् युग्मबंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पंडित नीति शास्त्री रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आज का उपाय शुरू करते हैं। आपने जो कृष्ण पक्ष है, जी हाँ, जिस समय अंधेर लगा हुआ होता है, कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार से आपने इस कार्य को करना है। आपने अंधेर पक्ष के शनिवार की शाम को, जी हाँ, मतलब
शनिवार की रात को जिस समय आप रात का भोजन कर लें, रात का भोजन करने के बाद आपने गुड़ की एक डली लेनी है, जो खाने वाला गुड़ होता है वो गुड़ आपने लेना है और अपने हाथ से आप किसी भी काले रंग के कुत्ते को वह गुड़ खिला दें। आपके घर के आसपास कोई काले रंग का कुत्ता आपको दिखाई दे, वहां पर आपने गुड़ की डली रख देनी है, जिससे वह काले रंग का कुत्ता आकर के उस गुड़ को ग्रहण कर ले। केवल इतना ही काम आपने करना है और ये काम आपने लगातार 3 शनिवार करना है। और जो शनिवार है वो कृष्ण पक्ष का ही शनिवार होना चाहिए, तभी आपको इस उपाय को करने का परिणाम मिलेगा। प्यारे भक्त जनों, अगर आप 3 शनिवार काले रंग के कुत्ते को गुड़ खिलाते हैं तो ऐसा करने से आपको साक्षात शनि देवता की कृपा की प्राप्ति होती है और आपकी जन्म कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई भी दोष बन रहा है तो इस उपाय को करने से आपके वो सभी दोष समाप्त होंगे जो आपको जीवन में सफल होने से रोक रहे हैं। बहुत ही सरल लेकिन बहुत दिव्य शक्तिशाली उपाय मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर उपाय से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी और आप ध्यान से सुने कि जिस समय काले रंग के कुत्ते को आप यह गुड़ डालेंगे, उस समय ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति की नजर आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। जब आप यह कार्य कर रहे होंगे उस समय आपको यह करते हुए कोई भी ना देखें, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है। अगर मान लीजिए उस समय आसपास कोई खड़ा है तो उस समय आप इस उपाय को मत करिए। आप प्रतीक्षा करिए कि जिस समय वहां पर कोई भी ना हो उस समय आपने इस कार्य को करना है। गुप्त रूप से शनिवार का किया गया है उपाय आपको बहुत से लाभ प्राप्त करवा सकता है। आपके जीवन में बहुत पैसा आएगा और हमेशा शनि देवता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपका आज के उपाय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप बेहिचक अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट द लेटेस्ट एपिसोड नोटिफिकेशन। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल रात 9 बजे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तजन, आप सभी बंधुजन हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और माता रानी का आशीर्वाद सदा सदा आपके ऊपर बना रहे। कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा सभी भक्त लगा देंगे। बोलिए भद्रकाली माता की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।